Very good. Naam kya hai? Ghanshyam. Kitne din se kar rahe ho? अरे कब से बिगलर को सुनने की थोड़ी कम है हाँ कब से वो बिगलर कब से 84 से सर 84 से बहुत अच्छे हमारे बीच में हमारी सबकी जनप्रिय लोकप्रिय नेता माननीय वसुंधरा जी महारानी है और नागौर का एक एक आदमी आभारी आपका इसलिए है कि आपने नागौर को बहुत कुछ दिया है। जीवन महकमा नहीं है जिसमें आप काम नहीं कर रही हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है और मैं अब आगे बीच में नहीं दूंगा क्योंकि स्वागत की दशा है, हम रोज आपसे बात करते रहते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पूरे जनता नागौर की जनता की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय श्री अटोरी साहब का और हम सबको जो इंतजार था और माननीय वसुंधरा जी का तालू की जनता के नागौर की धरती पर ये भाव बिना स्वागत अभिनंदन हम सब खड़े होकर के माननीय वसुंधरा जी को मान देते हैं, सम्मान देते हैं, इज्जत पकड़ते हैं और हम सब की ओर से तिलक अर्पण करके हमारी आपकी चिर प्रसिद्ध योजना और आपका ये महिला कॉलेज और महिला कॉलेज से प्रतीक के रूप में 5 पत्नियां तिलक अर्पणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तिलक आदरणीय आपकी बेटी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपकी अपनी बेटियां आपके विमान शहर की बेटियां नागौर क्षेत्र की बेटियां महिला कॉलेज ये बच्चियां खड़ी ही रह रही है, ये बच्चियां खड़ी रह करके ही अभिनंदन और हम सब की ओर से नागौर जिला की धरती पर बच्चे तुरंत आ जाए नागौर जिला मुझे भी जाती मुझे देखकर तुरंत आ जाए धरती पर आने थे आप सुन रही हम सब की ओर से नागौर जिला दीवाना की इस धरती पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का चुनरी ओढ़ा करके यासी देवी की हम सब की ओर से स्वागत और अभिनंदन और उनका मान और सम्मान और तालियों की जगह से हम आदरणीय और इनके साथ भी आज में बहुत बड़ा पुष्पहार मंजा सिंह अतिथि सब की ओर से जिंदाबाद वसुंधरा राजे
पास हैं भाऊ की बेटी और स्मृति जैन बैठ कर रहे हैं हमारे। ये महिला कॉलेज बंद नहीं होना चाहिए और महिला कॉलेज दीवाना की धरती पर बंद कर देगा, इसलिए महिला कॉलेज की ओर से ये हमारे शहरवासियों ने मुख्यमंत्री जी का स्वर्ण मुकुट बना करके स्वागत किया है और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपनी बेटियों के भेंट कर दिया वापिस, इसलिए दो बार मुख्यमंत्री के लिए ताली बजाकर साहब को करें। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन और इजाजत चाहेंगे कि यूनुस खान साहब को भी दीवाना विकास परिषद मंत्री महोदय आपसे आग्रह करते हैं कि उस योजना का शुभारंभ आदरणीय किरण जी माहेश्वरी और वसुंधरा राजे जी के साथ में मिलकर के हम जो है आदरणीय महोदय से योजना मुख्यमंत्री सतही जल स्रोत पेयजल योजना के अंतर्गत बीसलपुर दूधू नावा पेयजल परियोजना 128.72 करोड़ आकार होगा। इससे विधानसभा क्षेत्र नावा के 79 गांव, पर्वतसर के 17 गांव इस योजना से लाभान्वित होंगे। वर्तमान में 95 गांव 160 ढाणियों तक शुद्ध पेयजल पहुंच चुका है। इस योजना का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कदमों से तालियों के साथ में स्वागत अभिनंदन। आपका चीर प्रतिष्ठित सपना डीडवाना क्षेत्र का महिला शिक्षा डीडवाना महिला महाविद्यालय आपके महिला शिक्षा को बढ़ावा देकर का बढ़ावा देने का अनुपम कदम आपने उठाया है। डीडवाना और धारियों विधानसभा क्षेत्र की बेटियां उनके अभिभावकों का यह स्वप्निल योजना हमारे स्थानीय विधायक और राजस्थान सरकार के काबीना मंत्री आदरणीय यूनुस खान साहब का इस क्षेत्र की बेटियों को सर्वांगीण विकास हेतु ड्रीम प्रोजेक्ट रहा। माननीय मुख्यमंत्री महोदया अपने पूर्व काल में भी डीडवाना परिक्षेत्र की जनता और आशा अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अब ये उद्घाटन कर रही है, ये शुभारंभ कर शिलान्यास कर रही है। परम आदरणीय अगला राजकीय महाविद्यालय बेगाना के निर्माण का कार्य, भवन निर्माण का कार्य बेगाना विधानसभा क्षेत्र में उच्च शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए अहम 3 करोड़ की लागत से भवन निर्माण शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। और राजस्थान राजकीय कृषि महाविद्यालय नागौर शिलान्यास आदरणीय कृषि प्रधान क्षेत्र नागौर जिला में युवा पीढ़ी को कृषि क्षेत्र में आगे लाडनो डीडवाना में आरओबी निर्माण का कार्य है। लाडनू में आरओबी 52.40 करोड़ की लागत से बनना है। रेलवे फाटक पर पुलिया निर्माण का कार्य है। डीडवाना लाडनू फाटक नागौर डीडवाना में नागौर की तरफ का रेलवे फाटक उस पर ये पुलिया बनने तीनों माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार। नागौर जिला विकसित क्षेत्र बन गया, NH-65 निकाल करके लाडनू से और सड़क की चौड़ाईकरण करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने NH-65 लाडनू का शिलान्यास लाडनू से नागौर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 सैनिक जिला सैनिक कल्याण कार्यालय भवन का निर्माण डीडवाना में जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से 60 लाख की लागत से भवन बनना है। सबसे अधिक सैनिकों वाला यह जिला नागौर सैन्य सेवाओं में जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया उस नागौर के लिए सौगात, भूतपूर्व सैनिकों के लिए सौगात, नागौर जिले के लिए अहम सौगात। और युवक कोई अब उनके हाथ बंद के रह नहीं सकते, खेल स्टेडियम एक के बाद एक नागौर में खेल स्टेडियम खीवसर में खेल स्टेडियम 14 करोड़ रुपए देकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिलान्यास। खेल संकुल मकराना
उसके निर्माण का कार्य 2 करोड़ की लागत से, ये निर्माण कार्य है जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। पानी है तो बिजली भी। अधिकारी कार्यालय रिया भड़ी और तहसील भवन मुंडवा उसके निर्माण का कार्य ये संपन्न शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। कृषि प्रधान इस क्षेत्र में जनता लाभान्वित होगी। संप्रेषण एवं किशोर गृह भवन निर्माण नागो लोकार्पण विभागीय मंत्री आदरणीय अरुण जी चतुर्वेदी माननीय मंत्री। ये सारी परियोजनाएं और हमारी बेटी योजना में नागौर को बेटी योजना 2 बेटियों का संवर्धन। कुमारी सरिता मोहनराम जी ग्राम फोगड़ी 10वीं में मेरिट में प्रथम स्थान वाले हैं बेटी। और कुमारी सरोज दोनों बेटियों को 15,000 रुपए के चेक। हमको गर्व होता है हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री पे बेटियों को कितना प्यार देती है, बेटियों को कितना दुलार देती है। ये वसुंधरा राजे। अब हम सब माननीय मुख्यमंत्री महोदया को सुनने के लिए आतुर हैं और हम सब मिलकर के बिना किसी निवेदन के मौन ताले की गड़गड़ाहट से महोदया को निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि वो लाइव पे आकर के हम सबको संबोधित करें। आदरणीय वसुंधरा राजे जी, ताली की गड़गड़ाहट जब तक आप रुकने न दें, जब तक की मान्य भाई और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया उद्योग मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी खीमसर, कृषि मंत्री जी कुत्ता, श्रीमती ग्यारसी देवा जी नागर नगर पालिका अध्यक्ष डिगवाना, पूर्व विधायक श्री हरीश कुमावत और नागौर जिले के मैं सबके नाम लेना सब बहुत सबसे पहले मैं इस अवसर के ऊपर आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। गर्ल्स आप और सबको जो आज पानी का कितना बड़ा काम हुआ है नागौर के अंदर, उसके लिए आप सबको बहुत सारी बधाइयां। आप सबको मालूम है कि पिछले सरकार के समय हम लोगों ने मिलकर यह तय किया था कि जायका से लोन लेके और आपके पूरे क्षेत्र के अंदर 11 बजे के अंदर किस तरीके से पानी पहुंचा जाए काम किया था। और सरकार के जाने से पहले नागौर के अंदर तो पानी आप ले ही आए थे और हाँ, तो जो 500 गांव को कंप्लीट करना था हमने सोचा कि वो 500 गांव और ये जो काम अब हम करने जा रहे हैं ये सब काम पिछले 5 साल के अंदर ही पूरे हो जाते हैं, तो ये 5 टाइम के अंदर उसको कंप्लीट करेंगे। ये मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाह रहे हैं, अभी 3 साल हैं, उन 3 साल के अंदर हम इन सब चीजों को पूरा करने का पूरा मेहनत करके कोशिश करेंगे। आप हम सब जानते हो कि विकास अगर करना पड़ता है तो कोई अकेला व्यक्ति ना मैं कर सकती हूँ ना इनमें से कोई अकेला कुछ कर सकता है। हम लोग सब मिलके ताकत के साथ अगर जुटेंगे तभी मैं वीर तिजाजी की जन्म स्थली खरनाल किसानों की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र, इसी तरीके से खीमसर कुचामन अचित्रागढ़ का किला ये भी नागौर जिलों की शान है, नाक है। यहाँ मेहता रोड का जैन मंदिर, बड़ी खाटू की जामा मस्जिद, हमीदीउद्दीन नागौरी का मकबरा, नागौर का पशु मेला और भी बहुत लंबी सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आपका ये जिला प्रसिद्ध हो गया है। और मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि यही वो जगह है जहां पंचायती राज का काम भी यहीं से शुरू हुआ था, ये छोटा मोटा जिला नहीं है।
मॉडर्न डे के अंदर भी देखने को मिल रहा है, पिछले समय के अंदर भी देखने को मिला। ये जिला प्रसिद्ध है और अगर वो अपनी जगह को रखना चाहता है तो अपने ये सब काम को सही समय से करवा के और आगे सबकी अगुवाई करने का काम ये जिला करेगा तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा काम कर देगा। आप तो सब लोग जानते हैं कि एक विरासत के तौर पे हम लोगों को किस तरीके से चरमराया हुआ राजस्थान मिला। यहाँ कोई नहीं है जो नहीं जानता कि विद्युत विभाग के ऊपर कितना बड़ा कर्जा था। यहाँ कोई नहीं है जो नहीं जानता कि हम लोगों के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा छोड़ के जाने वाली वो सरकार, और उन्होंने खाली पैसे का घाटा नहीं करवाया, पैसे का तो किया ही किया जो करना था, पर समाजों के अंदर भी, मजहबों के अंदर भी सब दूर झगड़ा फैला के और ये कोशिश की कि सब एक दूसरे से झगड़ा कर लें ताकि ना तो प्रदेश आगे बढ़ सकेगा ना उसकी जनता आगे बढ़ सके। वो इसीलिए हम लोगों के ऊपर इतना बड़ा कर्ज छोड़ के गए कि जब तक ये कर्ज के साथ जूझेंगी और अपने पैर पे खड़े हो जाएंगी तो समय निकल जाएगा और ये कोई काम नहीं कर पाएंगी। हम लोगों ने फिर भी इतने सारे चुनाव होने के बाद भी 21 महीने के अंदर आज आपको ये सब काम शुरुआत करा के दिखा दिया है और मैं तो उनकी गिनती नहीं कर रही हूं जिनको मैं उपलब्धि में मानती हूं। पर मैं ये कहना चाहती हूं कि समाजों के अंदर भी झगड़ा, जो हमारे मीरों के साथ झगड़ा, उन्होंने चिट्ठी लिखा के कोर्ट के अंदर वहां अटकाया, गुजरों के साथ अटकाने का काम किया, सवर्णों के साथ अटकाने का काम किया, जाटों के आरक्षण के ऊपर पूरी तरह से वार किया, कहीं किसी को छोड़ा नहीं और यही कोशिश की कि हिंदू मुसलमान भी एक दूसरे से लड़ जाएं तो अच्छी तरह से घमासान पूरे राजस्थान के अंदर हो जाए, पैसे की कमी और ये घमासान, कोई एक दूसरे के बीच में प्रेम नहीं तो प्रदेश आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। मैं सबको कहना चाहती हूं कि यह प्रदेश हम सबका प्रदेश है, हम सबके प्यार के ऊपर बना हुआ है और हमारे सब, मैंने कहा 36 के 36 कौम को साथ लेके चलने का काम, सबको गले से लगा के आगे चलने का काम हम लोगों ने छेड़ा है और हम कहते हैं कि अगले 3 साल के अंदर आपके इस प्रदेश को ऊपर और अग्रणी प्रदेश बनाने का काम आप और हम सब मिलकर करेंगे। मैं सबको कहना चाहती हूं कि आज के दिन कितने कितने काम हमारे क्षेत्र के अंदर हो गए हैं। अभी अभी हम लोगों ने 13 दिसंबर तक, मैं नहीं रुक रही हूं, मैंने तो सबको ये कहा कि सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम हमने चालू किया, उसका फायदा हमको देखने को मिला। हम लोगों ने न्याय आपके द्वार अच्छा सा कार्यक्रम गर्मी के महीने में छेड़ा और उसमें मैं बताना चाहती हूं कि 21 लाख 50 हजार मामले निपटाए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, किसी ने जाके ये आपके रेवेन्यू के मामले निपटाए नहीं थे, इसको निपटाने का काम आपने किया, हम लोग सबने मिलकर किया, इसका भी बहुत बड़ा मैं समझती हूं कि असर अपने गांव के अंदर भी है। इनमें करीबन 61 ग्राम पंचायत इस अभियान के दौरान राजस्व वाद से पूरी तरह से मुक्त हो गए और मैं ये कह रही हूं कि 61 तो शुरुआत है, हर साल हम लोग इसको करने वाले हैं और हमारी कोशिश होगी कि आने वाले 3 साल के अंदर बहुत सारे और गांव भी इसके साथ जुड़ के वाद मुक्त हो जाएंगे, जिसका फायदा हमारे गरीब जनता को मिले, इसको सोचते हुए हम इसको भी आगे बढ़ाएंगे। अब नया काम अपन ने हाथ में लिया है वो है आपका जिला, आपकी सरकार, जिसकी वजह से हम सब आपके बीच में हैं और कल 3 दिन का कार्यक्रम, मैंने आज से लेके और 2 दिन, ये 3 दिन का कार्यक्रम नागौर जिले के अंदर अपन करने जा रहे हैं। आज तो मैंने आपको अपनी उपलब्धि, अपने ये जो अपन ने शिलान्यास वगैरह की हैं वो, और 2-4 घोषणाएं और हैं वो मैं थोड़ी देर बाद आपको करूंगी। करीबन 3,500 करोड़ के काम इस नागौर जिले के अंदर हम लोग आज शुरुआत नहीं तो कुछ खत्म, कुछ शुरू और कुछ आने वाले समय के अंदर तुरंत ही जिसकी घोषणा मैं आपको करके जाऊंगी। इतना सारा काम अपने इस क्षेत्र के अंदर शुरुआत भी होगी, खत्म भी होगा और मैं मानती हूं कि आने वाले समय के अंदर, मैंने 3 साल के अंदर, हम इसको कांग्रेस जैसे नहीं, हम इसको अपने खत्म करना चाहते हैं ताकि इसका फायदा आप लोग सबको मिल सके। इस आपका जिला और आपकी सरकार, इसमें 3 दिन का काम, उसमें सबसे पहले आज की जैसे पब्लिक मीटिंग है, उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें हैं। कल के दिन हम वो देखना चाहेंगे कि कलेक्टर साहब ने आपके क्षेत्र के अंदर कौन से अच्छे काम करवाए हैं जिससे आप सब खुश हो, और उसके साथ साथ शाम को मैं वो देखना चाहूंगी जहां मुझे लगता है कि काम ठीक नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, वो भी देखने को एक दफा अपने आंखों से मैं देख जाना चाहती हूं। और लास्ट दिन में
पूरे डीएलओ के साथ जो जो प्लान बनाया है आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो क्या प्लान है और उस प्लान को किस तरीके से आने वाले समय के अंदर हम लोग पूरा करने जा रहे हैं, उसका एक पूरा एक जायजा उसको लेने का काम हम लोग करेंगे। और फिर लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अलग अलग कलेक्टर्स के साथ लगातार उनके साथ बैठ के ये देखते रहेंगे, सुपरवाइज करते रहेंगे कि आपके ये जो चार या पांच मेन काम है वो किस तरीके से चल रहे हैं और क्या टाइम में चल रहे हैं कि नहीं। ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और मैं समझती हूं कि इसका फायदा हम लोगों को आगे समय के अंदर देखने को मिलेगा। मुझे खुशी है कि हमारा ये प्रदेश, राजस्थान प्रदेश को लोग कहते थे कि बिल्कुल ही गरीब प्रदेश है, बेरोजगारी है इसमें और यहाँ के लोग बिल्कुल गड्ढे में पड़े हुए हैं। मैं आपको सबको ये कहना चाहती हूँ कि आज स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम जो प्रधानमंत्री जी का पहला प्रोग्राम है उसमें राजस्थान नंबर एक पे आया है। ये छोटा मोटा काम नहीं है, नंबर एक पे आया है। इसी तरीके से स्वच्छ भारत के अभियान के अंदर ये हमारा प्रदेश नंबर वन पे आया है। अब वो बहुत अच्छी बात है कि हम नंबर वन पे आया है, परंतु मैं कल नागौर और यहाँ आपके क्षेत्र के अंदर जाके एक दफा घूमने वाली हूँ, कुछ मुझे देखना है कि ढेर गंदगी के पड़े हैं कि नहीं। ये सब गंदगी को हटाने का काम हमको करना है, क्योंकि दिवाली आ रही है भाइयों। और मैं सबको कहना चाहती हूँ कि लक्ष्मी उसी घर के अंदर आती है जहाँ सफाई होती है, और अगर आप लोग सफाई अपने नहीं करोगे, आपका शहर ही गंदा रहेगा, तो ना तो आपकी गाय सुरक्षित है, ना आपका घर सुरक्षित है, ना आपकी देवी देवता आपके घर के कहीं पास आएगी। इसलिए जब मैं आपको दिवाली की बहुत सारी शुभकामना दूंगी, उसके साथ साथ मैं आपसे यह भी कह रही हूं कि मेहरबानी करके सफाई के अंदर आप भी जुटो, क्योंकि हम अपने प्रदेश को साफ सुथरा प्रदेश बनाना चाहते हैं। हम ऐसा प्रदेश बनाना चाहते हैं जिसके अंदर लक्ष्मी रोज रोज आएगी। हम एक ऐसा प्रदेश बनाना चाहते हैं जिसमें भगवान का हमें लगातार आशीर्वाद मिलेगा। और मैं ये कह सकती हूं आपको कि जहां भगवान का आशीर्वाद है वो जनता वहां की मेहनती है, ये दोनों काम की वजह से वो प्रदेश आगे जाएगा ही, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। तो इसीलिए इसमें आप सबको जुड़ने की जरूरत है। रिजर्व बैंक ने आज राजस्थान को निवेश में तीसरा स्थान दिया है। कहां वो राजस्थान जिसकी तरफ कोई देखता ही नहीं था, आज निवेश के लिए एक डेढ़ साल के अंदर अंदर ही आपको पहला स्थान मिल गया है और तीसरा स्थान मिला है, और विश्व बैंक ने आपको छठा स्थान दिया है। तो इसका मतलब यह है कि राजस्थान नीचे से कई गुना ऊपर आने आया है। अक्षय ऊर्जा में हमको पुरस्कार मिले हैं और सौर ऊर्जा में सबसे अच्छा उत्पादन राजस्थान का है, यह पूरी देश को ही नहीं दुनिया को दुनिया जानती है। मैं सब लोगों को यह कहना चाहती हूं कि एक आधुनिक और विकसित प्रदेश बनने के रास्ते पर राजस्थान चल पड़ा है, परंतु कुछ हमारी अच्छी उपलब्धियां हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। मैं पता कर रही थी कि करीबन गौरव पथ आपके चालू हो चुके हैं और उसमें से नागौर के 111 बन गए, परंतु उसकी नालियां भी अभी बंदी हैं और मैं समझती हूं कि बहुत जल्दी वो भी बन जाएंगे। सीमेंट के ये सुंदर से गौरव पथ जिनके साथ साथ नालियां बनी हैं वो अपने गांव के लिए भी बहुत फायदेमंद होंगी। आरोग्य राजस्थान बहुत जल्दी शुरू होने वाला है और 13 दिसंबर को जब अपने 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो ई हेल्थ कार्ड हम आप लोगों को देना चाहते हैं। ई हेल्थ कार्ड ऐसा है कि अगर आपकी कोई भी बीमारी है तो उसके ऊपर उस चढ़ जाती है, कभी खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात हो जाती है कि एक्सीडेंट हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उस कार्ड को देख के ही आपका अस्पताल जानता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज है, आपको कौन सी बीमारी है, वो उस ई हेल्थ कार्ड पे मालूम हो जाता है। ये भामाशाह के कार्ड के साथ साथ हम उसको देना चाहते हैं और मैं समझती हूँ कि यह अभी एक बहुत बड़ा काम होगा। प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर 3 साल के अंदर आपके आदर्श विद्यालय माने 1 से 12 तक के विद्यालय कंप्लीट होकर तैयार हो जाएंगे। अभी कुछ हमारे शुरू हो गए हैं, कुछ अगले साल शुरू होंगे और कुछ लास्ट ईयर में हम लोग करना चाहते हैं। स्किल डेवलपमेंट में हमने ये कहा कि 15 लाख बच्चों तक हम रोजगार के अवसर प्रदान करा के उन लोगों को नौकरी से जोड़ने का काम करेंगे। करीबन 60,000 सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं और 1 लाख सरकारी नौकरी की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, जिनका फायदा बहुत सारे हमारे बच्चों को मिल जाएगा। 76,000 युवाओं को रोजगार के लिए हमने प्रशिक्षित किया है और राजस्थान संपर्क पोर्टल और हेल्पलाइन
अब आप लोग उसको छू के उसको देख के अपना क्या कार्यक्रम है, कहाँ है, कहाँ अगर आपका नाम है तो किस स्थिति में है, वो भी आप आराम से देख सकते हो। अन्नपूर्णा भंडार 31 तारीख को मैं और शुरू करने जा रही हूं। राजस्थान के अंदर 25,000 आपके राशन की दुकानें हैं, पर राशन की दुकानों के अंदर हमारे ग्रामीण जब जाते हैं तो स्वाभिमान के साथ उनको अपना सामान मिलना चाहिए, यह सोच करके उन दुकानों को बहुत अच्छा करने का कोशिश। कार्ड के ऊपर पेमेंट होगा तो इधर से उधर कोई चीज जाएगी भी नहीं, और साथ में एक अच्छी सी दुकान भी बन जाएगी जिसके अंदर 3% से लेकर 30% कम पैसे के ऊपर आपको सामान मिलेगा, चाहे वो टूथब्रश हो या टूथपेस्ट हो या शैम्पू हो या जो भी आपको बड़े दुकानों में मिलता है वो सामान आपको वहां मिलेगा। 5,000 दुकानें इस बार बन जाएंगी और आने वाले 3 साल के अंदर हम चाहते हैं कि 25,000 दुकानें खड़ी हो जाएंगी ताकि गांव के अंदर ग्रामीणों का उसका पूरा फायदा हो जाएगा। 26 जनवरी से एक नया कार्यक्रम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और वो है नदियों को जोड़ना, परंतु एक बहुत बड़ा 3,000 गांव जो बिल्कुल सूखे से सूखे हैं पूरे राजस्थान के अंदर, उनके अंदर वॉटरशेड के छोटे छोटे तालाब बनाना, उनकी छोटी छोटी नदियां को फिर से लाना, जो नीचे का पानी है उसको ऊपर तक लाने की कोशिश करना, और एक से एक को जोड़ते हुए 3,000 गांवों के अंदर पानी की जो बहुत ज्यादा किल्लत है उस किल्लत को हटाने का काम हम सब सड़क पे उतर के आप लोग हमारे साथ जुड़ के हम लोग मिल के वो काम करना चाहते हैं। और 6 महीने के अंदर बरसात आने से पहले हमारी ये कोशिश रहेगी कि वो तालाब तैयार हो जाएंगे ताकि जून जुलाई के महीने में, जुलाई अगस्त के महीने में जब बरसात होती है तो वो आपको लबालब भरे हुए दिखाई देंगे, उसका फायदा भी अपने को देखने को मिलेगा। ये जनवरी के महीने से हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं। नीतियां करीबन 6 नई अपनी आ गई हैं, सौर ऊर्जा की नीति, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, पर्यटन इकाई नीति, रिसर्जेंट राजस्थान अभी 20 दिन में होने जा रहा है, कृषि मंडी के अंदर 5 रुपए का खाना प्रभुला जी ने चालू करवा दिया है तो कहीं वे आप 5 रुपए के अंदर खाना खा सकते हो, 248 अनुपयोगी कानून जिसकी वजह से आप लोग परेशान होते थे उनको सबको खत्म कर दिया है, 8वीं की परीक्षा को अनिवार्य कर दिया है, पहले वो तो पास ही होते जाओ किसी को मालूम ही नहीं होता था कि ये बच्चा पढ़ने लायक है कि नहीं, परंतु 8वीं की परीक्षा फिर से चालू हो गई। दोहरी परीक्षा प्रणाली जो आपने मेरे यात्रा के अंदर बार बार कहा था कि 2 बार ये परीक्षा नहीं होनी है, उसको अब रोकते हुए हम लोगों ने REET ये एक रिक्रूटमेंट कम एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स को चालू कर दिया है जिसका फायदा फिर आपको वहां भी मिलेगा। और इसी अवसर पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भामाशाह का कार्यक्रम भी जोरों से चल रहा है, करीबन 1 करोड़ परिवारों को हमने छू दिया है और मैं समझती हूँ कि 3 करोड़ लोगों को उसका फायदा अभी मिलने जाएगा। आने वाले 6 साल के अंदर हम लोग जितने गरीब से गरीब लोग हैं उनको उनके साथ जोड़ना चाहती हूँ। और 13 तारीख दिसंबर को हम लोग ये लाइफ इंश्योर हेल्थ इंश्योरेंस माने स्वास्थ्य बीमा का कार्यक्रम, ये स्वास्थ्य बीमा का कार्यक्रम भी भामाशाह की योजना के कार्ड के ऊपर ला रहे हैं। इसमें आपको 30,000 से लेकर 3 लाख सीरियस बीमारी तक आपको पैसे मिलेंगे और मैं समझती हूँ कि उसकी वजह से खाली कार्ड के ऊपर अपना ये सब काम हो जाएगा। और उस कंपनी ने हमको ये कह दिया है कि 17% अगर हमको फायदा हो जाता है तो उसके ऊपर कुछ भी पैसा होगा वो वापस हम प्रदेश को देंगे, जो कहीं और भी किसी भी प्रदेश में नहीं हो रहा है। ये इतना बड़ा काम आप लोगों के सामने हम लोग करने जा रहे हैं और मैं समझती हूँ कि उसका फायदा भी आप लोगों को इसमें मिलेगा। अब आपके सामने मैंने कई तो काम आपके सामने मैंने बता दिए थे, परंतु मैं इसके साथ साथ कुछ और भी बताना चाह रही हूँ। आने वाले समय के अंदर उपलब्धियाँ हमारी करीबन 1100 करोड़ की हैं और जो अभी करने जा रहे हैं वो करीबन कितने 1800 करोड़ की हैं। और जो नई मैं घोषणा आपके बीच में करना चाहती हूँ वो नई घोषणाएं करीबन 536 करोड़ की हैं, जिसके अंदर आज नागौर, तरनाऊ, दयाल, डीडवाना, मीठड़ी, सालासर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, झुंझुनू और पिलानी मार्ग को नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जा रहा है। इससे आप लोग डायरेक्टली जुड़ोगे दिल्ली के साथ, आपको सबको यहाँ फायदा होगा।
मैं समझती हूँ कि एक अच्छा स्कीम है। चाकसु, फागी, दूदू, सांबर, नावा, नारायणपुरा, मकराना, खाटू, तरनाऊ, नागौर, फलोदी मार्ग, ये भी एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग बन गया है। और इससे अब मैं समझती हूँ कि बहुत सारी जगह को जोड़ने का काम, स्पेशली माबल नगरी मकराना और नमक उद्योग नावा और सांबर क्षेत्र, इन सब का पर्यटन का भी काम बड़े अच्छी तरीके से हो जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 65 नागौर शहर के बीच में से निकलता है, तो आप लोग सबने कहा कि हम लोगों को जरा बाहर से अगर आप बना दोगे तो हमको फायदा मिल जाएगा, इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग 65 पर नागौर में 160 करोड़ रुपए की लागत से बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। और ये हमने हमारी राज्य सरकार की पहल पर इस वार्षिक कार्य योजना में शामिल कर लिया गया है, तो इसका फायदा भी हमारे बहुत सारे लोगों को यहाँ मिलेगा। मेरठा सिटी में इसका काम चालू भी हो गया है। मेरठा सिटी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, मैंने ASP का कार्यालय, इसकी भी मैं घोषणा करती हूँ, इसको मेरठा के अंदर अपन चालू कर देंगे तो इनका फायदा हो जाएगा। फिर एक कांस्टेबल की रिक्त पदों पर भर्ती की जा चुकी है, इन्हें प्रशिक्षण दिलाया जाकर नागौर में रिक्त जो कांस्टेबल के पद है उनको जल्दी से जल्दी भरा जाएगा, ये चीज भी बार बार आप हमारे सामने ला रहे थे। नागौर जिले में सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए जो मिसिंग लिंक की योजना है उसमें 88 सड़कों के निर्माण के लिए करीबन 48 करोड़ रुपए की घोषणा मैं कर रही हूं। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड 177 निम्बी जोड़ा गनेड़ी मुकुंदगढ़ रोड बाकलिया गनेड़ी सेक्शन पर स्ट्रेंथनिंग और वाइडनिंग कार्य के लिए 25 करोड़ रुपए की घोषणा करती हूँ। नागौर सालासर, इसकी स्ट्रेंथनिंग और टू लेन वाइडनिंग के कार्य के लिए 51 करोड़ और 52 करोड़ रुपए वहां दे रही हूँ। स्टेट हाईवे 87 पर धनकौली मौलासर सेक्शन में सुदृढ़ीकरण और चौड़ाईकरण के लिए 16 करोड़, स्टेट हाईवे 87 मैंने परमोल मौलासर तोशीना सेक्शन में 28 करोड़, और MDR 176 सीकर डीडवाना आकोदा अरनावा बड़ीधाटी पुष्कर रोड शाहपुरा डीडवाना आकोदा सेक्शन के ऊपर सुदृढ़ीकरण और चौड़ाईकरण उसमें 47 करोड़ की घोषणा। कुचामन पर बाईपास CC सड़क उसका निर्माण कार्य के लिए 5 करोड़ रुपए, ताकि उसका भी आपको फायदा मिल जाए। और दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के लिए 63 करोड़ रुपए की योजना घोषणा करती हूँ। ये बिजली गांव के अंदर जाएगी तो गांव के अंदर इसका फायदा होगा, बहुत सारी ढाणियां सब रह गई हैं, इसमें आपको फायदा मिल जाएगा। और इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम और ये योजना के अंदर 74 करोड़ रुपए की घोषणा कर रही हूँ, ये भी आप लोगों को नीचे तक ले जाने का काम बहुत फायदे के होगा। ग्रामीण योजना और ग्रामीण बिजली के लिए ये बहुत अच्छा सुदृढ़ साबित होगा। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए और मैं 19 करोड़ रुपए की भी घोषणा करती हूँ, तो ये करीबन 536 करोड़ रुपए नए सिरे से हम लोग आपको देना चाहेंगे, और मैं समझती हूँ कि उसका फायदा भी आपको मिल जाएगा। लो तीन और, पीपलाद बस्सी पुष्कर 20 करोड़, नावा मारोट शामगढ़ और मींडा भीमपुरा लुनेवा खतवाड़ी मंडा रेनवाल सड़क 30 करोड़, और मेरठा सिटी में 4 लेन सीमेंट सड़क का निर्माण 13 करोड़, ये सबके लिए कुछ है। और मैं समझती हूँ कि इसीलिए मैं बहुत दिन से कह रही थी कि चलो अपन एक दफा चलते हैं, एक दफा जाके नागौर वालों के दर्शन कर लें और नागौर वालों को बता दें कि ये हमारा ये दिल है, और इस दिल को इन लोगों को जिनको हमने प्यार किया है उनको सबको 36 के 36 कौमों को गले से लगाकर उनके काम में हम लोगों को जुटना है, ताकि नागौर सुदृढ़ होकर अपने पैर पे खड़ा हो जाए, कभी किसी के सामने उसको हाथ फैलाने की जरूरत ना हो, ऐसा सोच करके पढ़ाई लिखाई से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेते हुए पूरे काम को हम लोग पूरा करना चाहते हैं। उसके अंदर आपका अमर सिंह राठौर वाला जो पैनोरामा है उसको काम चालू हो गया, बहुत जल्दी उसको ठीक हो जाएगा। तेजा जी के लिए भी मैंने कहा है, तेजा जी खरनाल के अंदर भी हमारी तरफ से 8 करोड़ रुपए का है, और उसको किस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है वो अपने को देखना है। मीरा जी का तो अपना हो ही गया है, तो इस तरीके से ये भी बहुत जरूरी था, क्योंकि अपने को अपने इतिहास को समझना है, याद करना है। अगर हम लोग अपने इतिहास को ही भूल जाएंगे तो प्रदेश हमको भूल जाता है, इसलिए जरूरी है
कि हमारी देवी देवता उनके ऊपर ध्यान, हमारे ये महापुरुष उनके ऊपर ध्यान, हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाने का विकास के काम के ऊपर ध्यान, और आखिर में अपने पैर पे खड़े होने के ऊपर ध्यान, और आखिर लास्ट में पूरा परिवार एक होके सब 36 के 36 कौम प्यार से मिलके जुट के काम करें, उस प्रदेश को पीछे कोई ढकेल नहीं सकेगा। यही मैं आप लोगों के बीच में कहने आई हूँ, और आप लोगों को इतना ही कहने आई हूँ, बहुत सारा मेरा प्यार आप सबको, और इसको आगे बढ़ाने में आप लोग सब जुटेंगे, इसी विश्वास के साथ आप सबको बहुत सारा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वसुंधरा राजे जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वसुंधरा राजे जिंदाबाद, वसुंधरा राजे। स्विच है वो पास में उपलब्ध, ये वो स्विच उसको नीचे कर दो, फिर से नीचे कर दो, बंद कर दो, बन के बंद कर दो, बन के ऊपर की यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा जी विराजमान है। हम सभी मंडल अध्यक्ष जनप्रतिनिधि उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का गुलदस्ता भेंट के स्वागत करें। अभी गुलदस्ता भेंट कर स्वागत करें। अपना व्रत प्रस्तुत